हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ एक और न्यू रोम कॉम एनिमे। ये भी स्कूल टाइप एनिमे है और इसका नाम है द गर्ल आई लाइक क्वार्टेड हर ग्लासेस। इसका जॉनर है रोमांस कॉमेडी। बेसिकली इसमें एक हाई स्कूलर स्टूडेंट होता है और उसको एक लड़की पे क्रश होता है। वो लड़की की आंखें तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग होती है, लेकिन वो ग्लासेस पहनती है, पर एक दिन वो अपने ग्लासेस को भूल जाती है और वो लड़का उसकी मदद करता है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो से। एपिसोड की स्टार्ट में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है और इसका नाम कोमुरा होता है। और वो बोल रहा होता है, मुझे एक लड़की पर क्रश है और वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है और उसके बारे में मैं हमेशा ही सोचता रहता हूँ। फिर वो अपने सपने की दुनिया में खो जाता है और स्कूल जाते जाते वो अपने सपने में वही लड़की को सोचता है। उसका नाम मिये होता है। जहाँ पर वो देखता है कि मिये उसके साथ स्कूल जा रही है, तभी एक हवा का झोंका आता है और मिये गायब हो जाती है और वहाँ पे कोमुरा का सपना भी टूट जाता है। फिर वो अपने स्कूल में आ जाता है। जब वो क्लासरूम में जा रहा होता है, तभी कोमुरा के बगल से मिये जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कोमुरा जो है वो मिये के बगल में ही बैठता है। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कोमुरा तो मिये को ही देखता रहता है और बोलता है, 3 दिन पहले ही हमारी सीट चेंज हुई है, तब से वो मेरे बगल में ही बैठती है। कोमुरा कहता है, हाँ ये वही वियर्ड लड़की है जिससे मैं प्यार कर बैठा और मैं सोचता हूँ जिस तरह से मैं उसे देखता हूँ वैसे वो मुझे भी देखे। अब अगले दिन जब कोमुरा क्लास में आता है, वो देखता है मिये ने तो ग्लासेस पहने ही नहीं है, ये तो आज और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। फिर वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी मिये उसे मॉर्निंग विश करती है और कोमुरा भी उसे विश करता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं उससे पूछना तो चाहता हूँ कि आज उसने चश्मा क्यों नहीं लगाया। फिर मिये कोमुरा से कहने लगती है, तुम्हें लग सकता है कि मेरी आईज आज थोड़ी स्कैरी लग रही हो, लेकिन मैं आंखों को इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ढंग से दिख सके, मैं बस अपने ग्लासेस भूल चुकी हूँ। ये सुन के कोमुरा तो काफी हैरान होता है कि वो घर से स्कूल कैसे आ गई। मिया बताती है, ऐसे सभी चीजें तो होती रहती है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट मंथ है जिसमें मैं अपने ग्लासेस भूल गई। ये सुन के कोमुरा कहता है, मतलब ये सब होता रहता है, लेकिन वो फिर भी मिया की मदद करना चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता कि वो मदद कैसे करे। तभी मिया कोमुरा से कहने लगती है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे ध्यान से दिख रहा नहीं है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि हिस्ट्री बुक कौन सी है। ये सुनकर कोमुरा कहता है, क्या तुम अपना बैग दिखा सकती हो मुझे। लेकिन वो कोमुरा को घूर के देखने लगती है। ये देख के कोमुरा अपनी बुक निकाल के उसे देने लगता है। ये सुन के जो मिया है वो अपने चेयर के साथ फुसकते फुसकते कोमुरा के पास आ जाती है। ये देखने के बाद कोमुरा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे भाग जाता है। ये देखने के बाद मिया कहती है, हम दोनों एक साथ पढ़ तो सकते हैं ना। जहाँ पे ये सुनने के बाद कोमुरा मना करने लगता है, लेकिन मिया पूछती है उससे, ऐसा क्यों। तो कोमुरा कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक ही साथ एक ही बुक में पढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे मियो जो होती है वो कोमुरा के काफी ज्यादा करीब होती है, इसलिए कोमुरा समझ नहीं पा रहा थी आखिरकार वो करे क्या। उसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था और वो मिया के बारे में ही सोचा जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मिया का ध्यान तो पूरे बुक ही में था, इसलिए वो बुक के ज्यादा करीब आई जा रही थी, जिसके वजह से वो कोमुरा के भी क्लोज आ रही थी, लेकिन उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो मिया को इतने क्लोज देख के सहन नहीं कर पा रहा होता है और वो मिया को अपनी बुक ऑफर कर देता है और कहता है, तुम ही इसे पढ़ लो, क्योंकि वो ज्यादातर बुक का यूज नहीं करता। जो सुनने के बाद मिया उस बुक को ले लेती है और काफी क्लोज आके बुक को पढ़ने लगती है। कोमुरा मिया को इतने बुक के क्लोज देख के वो कहने लगता है, अब ये बुक मेरा फैमिली ट्रेजर हो चुका है। वो इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोच रही होता है, तभी देखता है वो कि मिया उसके कुछ ज्यादा क्लोज आ चुकी है और वो उससे पूछती है, आखिरकार तुम हो कौन, मैं तुम्हारा चेहरा ढंग से देख नहीं पा रही हूँ। जो सुनने के बाद कोमुरा को तो झटका सा लग जाता है और वो अपना नाम बताता है। और जो मिया है वो फिर से कोमुरा का शुक्रिया करती है उसकी मदद करने के लिए। फिर मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करती है और कोमुरा अपने आप को होश में लाता है। फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोमुरा तो मिया के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन जब वो नीचे जाता है वो मिया को नीचे बैठा हुआ देखता है, जो कि अपने जूतों को देख रही होती है। वो मिया से जाके पूछता है, आखिरकार बात क्या है। जहाँ पे मिया उससे पूछती है, तुम कौन हो। जहाँ पे कोमुरा अपना नाम बताता है, लेकिन मिया को तो याद ही नहीं होता कि कोमुरा कौन है। तो कोमुरा बताता है, जिसके चेहरे के पास तुम अपना चेहरा लेके आ गई थी। ये सुनने के बाद वो खुद भी एम्बेरेस हो जाता है कि वो क्या बोल रहा है। और तभी मिया को भी याद आ जाता है, हाँ ये तो उसका पार्टनर है। कोमुरा उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है।
तो मिया बताते हैं जो उसके जूते वो काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं। और जो कमूरा जूते को देखता है तो वो देखता है कि वो तो उसी के जूते हैं। फिर वो अपने लॉकर की तरफ देखता है जो कि खुला होता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिया के दोस्त बोल रहे होते हैं हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन जो मिया होती है वो उन दोनों को मना कर देती है और चिंता करने के लिए नहीं बोलती है और उनको अपने क्लब रूम की एक्टिविटी के जाने के लिए बोलती है। मिया जब शू लॉकर के पास जाती है तो उसे पता नहीं लग रहा होता है कि उसका शू लॉकर कौन सा है, इसलिए कंफ्यूजन में उसने कोमोरा के ही जूते पहन लिए। वो कोमोरा से माफी मांगती है लेकिन कोमोरा कहता कोई बात नहीं, लेकिन कोमोरा ये अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे अपने जूतों से जलन हो रही है। मिया की मदद करने के लिए वो मिया का शू लॉकर खोलता है लेकिन वो उसके अंदर देखता है कि एक मेंढक बैठा होता है। तो कमूरा उससे पूछता है क्या तुम्हें मेंढक से प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पे मिया मना कर देती है। इसके बाद कमूरा मेंढक को रिलीज कर देता है और वो जूते मिया को वापस दे देता है। मिया जब अपने जूते को पहन को जा रही थी तभी कमूरा उसे रोकता है और उससे कहता है तुम्हारे जो शू लेजिस है वो खुले पड़े हैं। फिर हम लोग देखते हैं जो कमूरा होता है वो मिया के शू लेजिस बांध रहा होता है, जिस दौरान मिया उसका शुक्रिया अदा करती है और वो बताती है कि तुमने जो मेरी जितनी भी मदद करी है मैं उसका जरूर रीपे करूंगी। और ये सुनने के बाद जो कमूरा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शर्मा भी रहा होता है क्योंकि जो मियाँ है वो उसके काफी ज्यादा क्लोज होती है। उसके बाद जो मियाँ होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर कमूरा बताता है जो मियाँ का घर है वो स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। फिर हमें कमूरा का दिखाया जाता है जो कि तारों को देख के यही विश कर रहा होता है कि काश वो फिर से अपने ग्लासेस को भूल जाए। फिर अगले दिन में हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे कमूरा देखता है कि जो मियाँ है वो फिर से अपने ग्लासेस को भूल चुकी है और ये देखने के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि जो उसकी विश है वो पूरी हो चुकी है और ये बिल्कुल एक कर्स की तरह वर्क कर रहा है। फिर अगले सीन में हमें उन लोग को स्कूल में दिखाया जाता है जिनकी स्पोर्ट की क्लास चल रही होती है और जो मिया होती है वो बिना चश्मे के ही डॉज बॉल खेल रही होती है। यहाँ तक कि जो कमूरा होता है वो तो मिया के बारे में चिंता कर रहा होता है, लेकिन जो मिया होती है वो तो ये भी नहीं बता रही होती है कि उनके टीम में कौन है और सामने वाली टीम में कौन है। कमूरा सोचने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए अब मुझे ही मिया को प्रोटेक्ट करना होगा और वो मिया के सामने ही खड़ा हो जाता है, लेकिन जो सामने वाला टीम का बंदा होता है वो कमूरा को एक ही बार में आउट कर देता है। फिर सीन कट होता है और क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टीचर है वो मिया को बुलाता है। तभी कमूरा देखता है जो मिया है वो तो सो चुकी है और वो सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो मियाँ को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जो मियाँ होती है वो गहरे नींद में सो चुकी होती है और वो सोचने लगता है उसे कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वो इसे याद आता है कि जब वो डॉज बॉल खेल लेते हैं तभी मियाँ ने भी उसे प्रोटेक्ट किया था और फिर वो सोचता है कि उसे भी मियाँ को प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे ही टीचर मियाँ को वापस से बुलाता है जो कोमूरा है वो एकदम से हाथ खड़ा करके बोलने लगता है कि जो मियाँ है वो अपने ग्लासेस भूल चुकी है, जिस वजह से उसे रीड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और जो उसने मुंडी अपनी बुक में चिपका के रखी है। और ये जो फालतू का बहाना है वो टीचर विश्वास भी कर लेता है और वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। और फिर वो वापस चले जाता है और वो कंटिन्यू करता है पढ़ाई को। दूसरी तरफ कमूरा सोचता है मैं उसे टच करके उठाऊंगा, लेकिन वो तो टच ही नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस था। उससे पहले कमूरा कुछ करता लेकिन वो पहले ही उठ जाती है। जैसे ही मियाँ उठती है वो अचानक से कुछ ढूंढने लगती है। कमूरा मियाँ से पूछते हैं आखिरकार क्या बात है। जो मियाँ है वो कमूरा का तो अपना डैड बोलने लगती है, जो देखने के बाद जो कमूरा होता है वो तो एकदम शॉक हो जाता है। और ये तुम क्या बोल रही हो, मियाँ तो ये कहने लगती है डैड क्या आपने मेरे ग्लासेस देखे। जहाँ पे मियाँ कमूरा के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और बोलती है तुम मेरे डैड हो। फिर वो बोलने लगती है डैड आपने एक्सीडेंटली फिर से आपने मेरे ग्लासेस ले लिए ना। और वो बोलने लगती है कि मैं कुछ देर और भी सोऊंगी। ये सुनने के बाद कमूरा भी और ज्यादा घबरा जाता है और जो मी है वो कमूरा के शोल्डर पे सो जाती है और वो बोलती है डैड आप तो छोटे हो गए हो। मियाँ को सोते हुए देखने के बाद वो सोचने लगता है कि जो टाइम है ये यहीं पे रुक जाए और ये जो मूवमेंट है ये हमेशा में से के लिए ऐसे ही रहे, लेकिन जो उनका टीचर होता है ये सब अलाउ नहीं किया था, इसलिए उनका टीचर एक बुक से मियाँ के सर पे मारता है। फिर सीन कट हो जाता है और अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मियाँ होती है वो कमूरा को काफी घूर के देख रही होती है, जो देखने के बाद कमूरा को समझ नहीं आ रहा आखिरकार वो मुझे क्यों देख रही है, क्या मुझे किसी वे से इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तभी वो कमूरा के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और कमूरा सोचने लगता है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और जो मेरा चेहरा है वो ब्लश करते हुए पूरा लाल हो चुका है, थैंक गॉड मिया मुझे देख नहीं सकती है। तभी मिया कहती है ओ अच्छा तो तुम इस तरह से दिखते हो। और ये सुन के जो कमूरा होता है वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और काफी ज्यादा हैरान भी होता है। तभी मिया वहां से चली जाती है और वो अपने दोस्तों से बातें करने लगती है। उसके दोस्तों के पूछने के बाद मिया बताती है कि वो अपने ग्लासेस नहीं भूली है और उसने लेंस पहन रखा है। फिर यहां से सीन कट हो जाता है और हमें कमूरा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बालकनी में खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा एम्बैरस होता है। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये एनिमे ऑनगोइंग है तो इसके एपिसोड भी नेक्स्ट वीक आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।